अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी, आज की वीडियो एक्साइटिंग वीडियो है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ब्लश। जो लड़कियाँ ब्लश लवर हैं लाइक मी, तो उनके लिए वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। मेरे पास एक ड्रग स्टोर ब्रांड है फोकोलेयर, उनके कुछ ब्लशेस पड़े हैं। आई लव फोकोलेयर प्रोडक्ट्स। मैंने आई थिंक शायद पहले भी अपनी किसी वीडियो में बताया हो कि ड्रग स्टोर ब्रांड अगर मैं कोई रिकमेंड करती हूँ तो वो मैं फोकोलेयर का रिकमेंड करती हूँ। इनकी फाउंडेशन, इनके ब्लशेस, इनके आई शेडोज़, ईच एंड एवरी थिंग। मैं मतलब होता है कुछ ब्रांड्स की एक चीज़ अच्छी होती है, दूसरी चीज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन फोकोलेयर, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि फोकोलेयर एक वाहिद वो ब्रांड है जिनकी हर चीज़ टॉप क्लास है, जिनकी हर चीज़ बेस्ट है। मतलब वो किसी भी जगह पर और किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, कम नहीं है। सो उनके ब्लशेज़ हैं कुछ मेरे पास, आई हैव 6 ऑफ दीज टोटल ब्लशेज़ हैं। इनकी कुछ सीरीज़ हैं, एक सीरीज़ इनकी जो ये वाली पड़ी हुई है, ये उनकी सीरीज़ है सी वाली सीरीज़ है, और जो ये वाली उनकी सीरीज़ है ये बी सीरीज़ है। ठीक है, सी और बी सीरीज़ की ब्लशेज़ मेरे पास हैं, और भी इनके पास हैं, बट मुझे इनके जो है ना वो ये अच्छे लगे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये हैं जी इनकी सी सीरीज़ के, ये शुगर, यस प्लीज़ शुगर ब्रशेज़। पैकिंग में कुछ इस तरह से है, मैंने सिर्फ वीडियो के लिए ये पैकिंग एक एक की संभाल के रखी है, बाकी की मैं पैकिंग फेंक चुकी हूँ बिकॉज मुझे जो है ना वो बड़ा अजीब लगता है, बहुत स्पेस घेरती है। मतलब जो इतनी सी हो इतना पैकिंग की वजह से ना स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, और ये है जी यस प्लीज़ शुगर की ब्लश ऑन है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे अगर आपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना हो कि ओरिजिनल है, यहाँ पे उसका जो है वो स्क्रैच एंड चेक, यहाँ पे बारकोड लिखा हुआ है। मैं आपके सामने ही जो है ना इसको स्क्रैच कर रही हूँ, ये देखें, ये मैंने इसको स्क्रैच किया है, तो ये साथ में इसका कोड मैंशन हो गया। आप इसके कोड से जो है ना वो इसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, खूबसूरत सी मैट सी पैकिंग है और ये बहुत छोटू सा है, तो ओपन इसको अब हम कर लेते हैं। ये ओपन करें तो इसके अंदर अगेन, मतलब फोकोलेयर वाले यार पैकिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, एंड ऑल ऑफ़ यू नो हाउ मच आई लव दोज प्रोडक्ट्स जिनकी पैकिंग जो है वो लाजवाब हो। अंदर इसको ओपन करें तो ये खूबसूरत से ब्लैक कलर के केस में ये ब्लश है। ठीक है, ये जी मैंने इसको निकाल लिया है पैकिंग से बाहर, और अंदर से आपको ये क्रिस्टल का हसीन सा ब्लश मिलता है। दिस वन इज 02 चेरी ब्लॉसम, आई होप यू कैन सी 02 चेरी ब्लॉसम। और ये जो ब्लश है मैंने बाय नहीं करना था, लेकिन मेरी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर, आई एम सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ, आप कुछ लड़कियाँ माइंड करती हैं कि आप हमारा नाम नहीं लेती, मैं सॉरी डियर्स, मैं इसलिए नहीं क्योंकि इतने मुझे DMs आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, तो सबके नाम रखना मेरे लिए, और नाम याद रखने में और फ़ोन नंबर याद रखने में मैं बहुत बुरी हूँ। मतलब शुरू से ही, कॉलेज डेज, यूनिवर्सिटी लाइफ से ही जो है ना वो नाम और फ़ोन नंबर ये मुझे कभी याद ही, इवन कि मुझे अपना नंबर बड़ी मुश्किल से याद हुआ था, मतलब होता है अदरवाइज़ मुझे फ़ोन नंबर जो है वो बिल्कुल याद नहीं, मुझे अपनी मामा का नंबर नहीं आता, तो नेम्स भी जो है ना मुझे वो नहीं याद रहते हैं। लेकिन मैंने मेंशन किया मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने कहा था आप 02 चेरी ब्लॉसम जो है ना वो मस्ट शेड बाय करें, तो मैंने फिर उनकी फरमाइश पर ये शेड बाय किया, अदरवाइज़ मुझे इसको बाय नहीं करना था। सो ये देखें इतना हसीन ब्लश है, पहले तो आप इसकी पैकिंग को एडमायर करें, कितना अमेजिंग है। मतलब छोटू सा ब्लश है, इजीली आप इसको पर्स में बैग में डाल के जो है ना वो जा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। मैं इसका आपको बता दूं कि नेट वेट क्या होगा इसका। हाँ जी, इसमें आपको 3.5 ग्राम का प्रोडक्ट मिलेगा, मेड इन चाइना, 24 मंथ इसकी जो है। फोकोलेयर की प्रोडक्ट की अच्छी बात ये है, इनकी एक्सपायरी डेट काफ़ी एक्सटेंडेड होते हैं। लव दोज प्रोडक्ट जिनकी एक्सपायरी थोड़ी लंबी हो, तो प्रोडक्ट बंदा ठीक से यूज़ तो कर ले। वैसे भी ब्लशेस हो गया, कॉन्टोर हो गए, ब्रॉन्ज हो गए, शेडोज़ हो गए, ये जल्दी एक्सपायर नहीं होते, सो डोंट वरी अबाउट। ठीक है जी, और हाँ जी, ये एक्सपायरी इसकी यहाँ पे उन्होंने मेंशन अलग से कर भी दी हुई है कि ये 2023 में जो है वो एक्सपायर होगा, सो फिक्र ना करें। ठीक है, ये है जी 02 शेड चेरी ब्लॉसम। ओपन करने पे ये इस तरह से है। इस ब्लश के अंदर थोड़ा सा, मतलब कह लें कि शाइन सा है, आई होप कि कैम इसको जस्टिफाई कर रहा हो, शाइन सा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास ब्लश, वो है C07 पीच ब्लश। मेरे पास पीच कलर नहीं था मैट में, और ये सारे मैट ब्लशेज़ हैं। ठीक है, ये है जी पीच शेड, मैंने इसको यूज़ भी किया हुआ, और ये देख रहे हैं आप लोग मेरा नाखून अंदर लग गया था। 3.5 ग्राम का जो है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, पीच, और दिस वन इज़ जी C03 प्रिटी कॉरल। ये दो शेड्स मुझे बहुत पसंद आए हैं इनके, तो मैंने ये बाय किए। दिस इज़ द प्रिटी कॉरल शेड,
ठीक हो गया। मैं इनके आपको जो है ना वो स्वाचेस भी दिखाऊंगी। सबसे पहले जो है ना हम लोग अब इन ब्लशेस को भी देख लें साथ में। ये उनकी जो है वो बी सीरीज़ है, ठीक है। पैकिंग इसकी देखें कितनी हसीन है, मैट ब्लैक, और अगेन यहाँ पे उनका बारकोड लिखा हुआ है। ये कितने कितने के ब्लशेज़ हैं, कहाँ से बाय किए, ये जानने के लिए वीडियो आपको एंड तक देखनी होगी। मैंने स्क्रैच किया सो ये आपको कोड नज़र आ गया। 24 मंथ इसकी है शेल्फ़ लाइफ और 3.5 ग्राम सेम इसमें जो है वो प्रोडक्ट है, इन्ग्रीडियंट्स मैंशन है। तो ये इसके इसके यहाँ पे भी जो है ना कलर लिखा हुआ है, और इस वाली पैकिंग में भी कलर लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका शेड 02 चेरी ब्लॉसम, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है B08 ट्रू लव, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने पर ये देखिए अंदर, अगेन इतनी हसीन इसकी पैकिंग है यार, मतलब कार्डबोर्ड की क्या कसम से, ये लोग पैकिंग पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते। अंदर से ये चुन्नू उन्नू सा जो है ना वो आपको ब्लश मिलता है, आई लव दिस। ओपन करें तो ये हसीन सा B08 शेड है, पीछे लिखा हुआ है ट्रू लव। ये बारबी डॉल पिंक कलर है, ये मतलब बारबी पिंक कलर इसको बोलते हैं, बहुत खूबसूरत सा पिंक है। उसके बाद नेक्स्ट शेड है हमारे पास B02, माय फेवरेट शेड इनकी सीरीज़ में, वो है B02 स्मैशिंग, ठीक है। और ये जी इस तरह से है, हसीन तरीन पिंक, ये अगेन पिंक का टोन है। एंड अगेन ये सारे मैट ब्लशेज़ हैं एक्सेप्ट दिस, ये मैट ब्लशेज़ नहीं है चेरी ब्लॉसम, बाकी सारे जो हैं वो मैट ब्लशेज़ हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट B05 है फैचिंग शेड, ये थोड़ा डार्क पिंक में है, ठीक है। ये तीनों पिंक के शेड हैं। अच्छा जी, अब हम इनके स्वाच भी साथ साथ कर लेते हैं ताकि मैं आपको बताऊँगी किस तरह से जो है ना वो दिखते हैं। सो सबसे पहले इनसे स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज़ C02 चेरी ब्लॉसम, सुपर बटरी, ये देख लें आप लोग, ये थोड़ा शाइन में है, ये गोल्ड एंड पिंक की मिक्स शिफ्ट आ रही है इसमें। उसके बाद दिस वन इज़ C03 प्रिटी कॉरल, इसका ये शेड है कैम पे, आई डोंट नो किस तरह का लग रहा है, मैं ऑफ करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद इसमें थर्ड है C07 पीच, ये बहुत अमेजिंग पीच कलर है, ये देखो मैं इसका आपको फ्लैश ऑफ करके दिखाती हूँ। दिस इज़ द कलर जी, ठीक है, ये चेरी ब्लॉसम, ये प्रिटी कॉरल, एंड दिस इज़ द पीच कलर, ठीक हो गया। अब मैं इनका स्वाच करती हूँ, ठीक हो गया जी। ये है जी चेरी ब्लॉसम, हसीन तरीन पिंक है यार, ये ख़रीदने के बाद बिल्कुल भी आई डोंट फील रिग्रेट, थैंक यू सो मच यार जिन्होंने मुझे ये शेड सजेस्ट किया। ये है जी पीच कलर, दिस इज़ द चेरी ब्लॉसम 02, दिस इज़ द C03 प्रिटी कॉरल, एंड लास्ट वन इज़ C07 पीच। अमेजिंग 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 अमेजिंग, ठीक है। अब हम जी इन ब्लशेस की बात करते हैं, ठीक है। ये सारे मैट ब्लशेस हैं एक्सेप्ट दिस, ये बहुत खूबसूरत है यार, आई लव दिस। ये है जी हमारे पास B08 ट्रू लव, दिस इज़ द प्रिटी, और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है यार, ये देखें, ये बॉबी डॉल पिंक कलर है। दिस इज़ द जी 02 स्मैशिंग, सुपर बटरी, ये देखें, एंड दिस वन इज़ B05 फैचिंग। मैं इसको स्वाच करती हूँ यहाँ, ठीक हो गया। ये है स्मैशिंग, दिस वन इज़ ट्रू लव, बहुत हसीन पिंक कलर है, ये देख लें आप लोग। मैं अब मैं फ्लैश ऑफ करके भी दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये देख लें आप लोग, ये है जी फैचिंग, ये है स्मैशिंग, एंड ये है ट्रू लव। ये है जी चेरी ब्लॉसम, दिस इज़ द प्रिटी कॉरल, एंड दिस वन इज़ द पीच, ये शेड है विदाउट फ्लैश। ये 5 के 5 मैट हैं एक्सेप्ट चेरी ब्लॉसम, ये जी विद लाइट, देख लें आप लोग।
बहुत हसीन है, सुपर 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 पिगमेंटेड हैं, सुपर लॉन्ग लास्टिंग हैं, इनका एक भी कॉन नहीं है, मतलब इनकी क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ हैं। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, मैं कहती हूँ ब्लशेज़ को ज़्यादा ओवर पिगमेंटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ओवर पिगमेंटेड ब्लशेज़ हैं, ठीक है, बस यही है। लेकिन ये इतनी कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन बस वो अपनी अपनी चॉइस की बात होती है, मुझे ओवर पिगमेंटेड ब्लशेस पसंद नहीं है। अच्छा, आप बात करते हैं इनकी ब्लेंडेबिलिटी की। सबसे पहले बात, इनका जो टेक्सचर है वो सुपर बटरी है, और ब्लेंडेबिलिटी अगर आपने देखनी हो तो जनाब ये देखें, मैं आपके सामने फिंगर से ही इसको ब्लेंड करती हूँ, ईजीली ब्लेंड हो जाता है, ये देख लें, ये देख लें, ईज़िली ब्लेंडेबल है, ठीक है, उसमें कोई इतना जो है ना वो टाइम नहीं लगता है इसको ब्लेंड होने में। और दूसरा जो है इसकी और अच्छी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो ये है कि मुझे तो ये कॉस्टली नहीं लगे, शायद कुछ लोगों को कॉस्टली लगें, प्राइस वाइज ठीक है, शायद मतलब प्राइस के हवाले से पैन इसका काफ़ी छोटा सा है, लेकिन आई लव छोटे वाले मतलब पैन। और मैंने आपको शायद बड़ी दफ़ा ये बात बताई है कि मेकअप में जो प्रोडक्ट जितना कम छोटा क्लासी होता है मुझे वो उतना अच्छा लगता है। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं कि उसकी पैकेजिंग अच्छी है या मतलब कह लें कि वो साइज़ में कम है तो क्वालिटी अंदर से कुछ भी ना हो तो अच्छा, नहीं नहीं क्वालिटी के साथ देखें, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और ये क्वालिटी वाइज बेस्ट ब्लशेज़ हैं। ये मैं रिकमेंड करूँगी स्पेशली उन गर्ल्स को जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कॉलेज ऑफिस गोइंग हैं, वो ये ब्लशेज़ ज़रूर एक दो इनमें से जो उनको शेड पसंद आता है वो ले कर रख ले, क्योंकि ये ट्रैवल फ्रेंडली बहुत हैं, ईजीली बैग में डाला और बस चले गए, स्पेस भी नहीं ज़्यादा घेरती, और कोई पर्सनल अपनी किट में रखना चाहे तो वो भी रख सकता है। आई लव दीज, आई लव फोकोलियर प्रोडक्ट्स, और उनके ये ब्लशेज मेरे फेवरेट हैं। मेरे पास उनके टोटल 6 शेड्स हैं, एक सी सीरीज़ में से और एक 3 जो हैं वो उनकी बी सीरीज़ में से हैं। अच्छा जी, अब प्राइस की बात कर लेते हैं हम लोग। प्राइस की बात करें तो ये वाला जो है ब्लश, ये मुझे मिला है 400 समथिंग का, 400 में ये मिला था, और ये मैंने जो ख़रीदे हैं उनकी ओरिजिनल आउटलेट से नहीं ख़रीदे, क्योंकि उनकी फोकोलियर की जो ओरिजिनल पेज है, उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे ये थोड़े कॉस्टली हैं। तो मैंने दराज़ पे जो है ना, दराज़ पे भी जो है प्रोडक्ट को बाय करने का एक तरीका है, वहाँ पे आप कस्टमर के व्यूज़ देखा करो, अगर तो व्यूज़ हैं अच्छे हैं तो फिर वहाँ से प्रोडक्ट बाय किया करो, उनसे बात कर लिया करो, अदरवाइज़ दराज़ से मत ख़रीदा करें। तो मैंने ये फोकोलियर के मोस्ट ऑफ़ द प्रोडक्ट्स दराज़ से बाय किए हैं उनके व्यूज़ देख कर, तो ये मुझे 400 समथिंग का, 420 कर लें या इतने का मुझे ये जो है ना एक पड़ गया था। ये जो है ब्लश ऑन, ये 600 तक इसकी प्राइस है, 600 का एक है, यानी 1800 के मुझे 3 ये ब्लशेस पड़े हैं। आई डोंट थिंक इट्स एक्सपेंसिव, मतलब ये नॉर्मल रेंज है, इतने तो होते ही हैं फिर। और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हमेशा एक ही दफ़ा अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करें, अगर तो अफोर्डेबल में मिल जाए देन वेल एंड गुड, बट अगर आप अफोर्डेबल में नहीं मिल रही हो और आप लोग पैसे भी लगा रहे हो, क्वालिटी अच्छी नहीं है, देन वो वेस्ट है आपका प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लिया करो, लेकिन अच्छी चीज़ में करो, वो आपका लॉन्ग लास्टिंग चल जाता है। सो जनाब, आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और बहुत अमेजिंग ब्लशेज़ हैं मेरी तरफ से, 100% रिकमेंडेड हैं, आप लोग लो, यूज़ करो, और फिर मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कैसा रिज़ल्ट लगा। लॉन्ग लास्टिंग ये गारंटीड हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग ये ब्लशेज़ हैं, मतलब ये नहीं कि उड़ जाएँ, मिस रोज़ के ब्लशेज़ जो है ना वो थोड़ी देर बाद उड़ जाते हैं, लेकिन ये ब्लश जो है ना वो टस से मस नहीं होते, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि ज़री बात फोकोलियर एक जाना माना ब्रांड है। सो आप लोग बेफिक्र होकर इनको ख़रीदो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके बाय करो, इंशाल्लाह फ्रॉड नहीं होगा। और मुझे दें अब इजाज़त, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल, साथ में एक बेल सी होगी उसको हिट कर दीजिएगा, और ऑल पे जाके सेलेक्ट कीजिएगा, मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, मेरा गला सूख गया है इतना बोल बोल के। तो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, सारे लिंक्स हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।